मॉर्निंग बच्चों। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नमस्ते। ठीक है, तो आप सब लोग को मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्ते। और मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? कोई सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा सुनेंगे तभी तो सीखेंगे, वैसे ही पढ़िए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राजगिरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जैसे हमारे देश में जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं, वैसे ही एक मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हम लोग जो आए हैं हमारी संस्था राजगिरी मिलकर आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह की कार्यशालाएं करती है, जिसमें हम आपको जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कथक से। कथक सब लोग जानते हैं क्या होता है? वेरी गुड। तो कथक, हमें कथक के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जैसे इंग्लिश में आप ABCD शुरू में पढ़ते हैं, हिंदी में आप क ख ग घ पढ़ते हो ना बेटा आप, वैसे ही जो कथक का ABCD है वो हमको बताएंगे। और वो हमको बताएंगे कौन? वो बताएंगे एक जयपुर घराना है जो कथक का बहुत ही रिनाउंड घराना है, उसके कलाकार हैं सदानंद जी। तो मैं उनका स्वागत करूंगा, वो आए। हरिओम, सुप्रभात सबको, सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब गुड मॉर्निंग। तो सबको गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने आज मुझे यहाँ पर कार्यक्रम पेश करने के लिए। अच्छा, हमारे कथक में तत्कार मतलब पैर का काम जो फुटवर्क है उसके बहुत अहमियत है। तो फुटवर्क मतलब पैर का काम, तत्कार। अच्छा, कौन कौन चार बच्चे आते हो जिनको हम तत्कार सिखाएंगे? तत्कार कैसे करते हैं? 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 और एक बार 1 2 3 4। जैसे कुछ बच्चों ने कथक के स्टेप्स को जैसे जाना, वैसे ही थिएटर के बारे में भी आप लोग बेसिक जानकारी जो है, बुनियादी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। तो मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुभन जी। तो साई बाल संस्कार के बच्चों का, छात्रों का साई बाल संस्कार विद्यालय बहुत बहुत स्वागत है। मूव वन बोलो थ्री फोर ताकि ये जो यंग माइंड्स हैं, दे बिकम वाइब्रेंट इन द टाइम टू कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।